हिल स्लैप का प्रिय दर्शक, हम लोग आप लोग तो जानते हैं, हम लोग एक जो एपिसोड करते रहता है खोज बोल के, हम लोग काफ़ी दिन एक खोज में था। इनका नाम है विशाल लांगथासा। विशाल लांगथासा जी एक चुगली टीवी बोल के चलाता है और उनका जो फैन है, काफ़ी फैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जितना यंग जनरेशन है उनका फैन बन चुका है। और ये जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ये विशाल लांगथासा हाफलोंग का है और डिमासाओ का है, और डिमासाओ का टैलेंट अभी बॉम्बे में बैठ के क्या क्या कर रहे हैं हम लोग को बताएंगे और आप लोग उनका मुंह से सब कुछ सुनने में मिलेंगे। तो विशाल जी, हम लोग पता चला जो आप चुगली टीवी बोल के एक यूट्यूब में आप काफ़ी सुंदर सुंदर एपिसोड काफ़ी सुंदर ये कर रहा है, तो ये शुरुआत कैसा हुआ आपका? शुरुआत तो मुझे स्क्रिप्ट लिखना जी, आई वांटेड टू लर्न हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स। अच्छा। तो मुझे पता है अभी भी मुझे उतना नहीं आता, तो मुझे और मुझे कॉमेडी सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता था जी। जैसे जी। बहुत सारा मैं ब्रिटिश कॉमेडी सीरियल्स देखता था, तो मुझे ऐसे अंदर से इच्छा थी कि मैं भी हूँ किसी दिन एक सिटकॉम में, सिचुएशनल कॉमेडी लाइक यू नो सिटकॉम्स। तो आई जस्ट लाइक यू नो आई वांटेड टू बी इन माई ओन सिटकॉम, तो इसीलिए मैंने खुद का स्टार्ट कर लिया जी। तो मैंने हमारे क्लासरूम में ही स्टार्ट किया था। तो मेरे साथ एक दो दोस्त थे जिन्होंने हमारे जो बस साथ में बैठ के हंसते थे, जो 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 बात में वो लोग हंसते उसी को मैंने डाल दिया वीडियो पे। बहुत सुंदर हुआ। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ये तो जर्नी थोड़ा सा हम लोग बता रहे हैं क्योंकि इनका जो खोज है ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जो आप लोग को हम बताने को, जो विशाल लांगथासा जी ये जो शुरू किया और हाफलोंग का जर्नी यहाँ से शुरू करके यहाँ पे पढ़ाई कहाँ से किया और कैसे कैसे करके गया और आप लोग को कैसा इंस्पायर कर रहे हैं और कैसा कैसा सुंदर चीज़ कैसा कैसा मैसेज दे रहे हैं वो सब बात हम लोग ज़रूर बताएंगे। अभी हम लोग फिलहाल जानने को कोशिश करें, विशाल जी आप बताइए जो यहाँ पर आपका जो स्टडी शुरू हुआ स्कूल से कैसे कैसे आगे बढ़ के गया, आज बॉम्बे में है, कैसे पूछा आप बॉम्बे? हाँ, तो पहले डॉन बॉस्को, मैं डॉन बॉस्को स्टूडेंट, तो नर्सरी से क्लास 10 तक डॉन बॉस्को, देन उसके बाद आई थिंक आई वेंट टू गुवाहाटी फॉर अ वीक। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वहाँ का वेदर बिल्कुल सूट नहीं हुआ, तो मैं बीमार पड़ गया। अच्छा। तो मैं वापस आ गया हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ मैंने HS किया, HS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस, साइंस स्टूडेंट। ओके। और फिर उसके बाद I got really confused, मुझे तो videos करना है, production ये करना passion है ही आपका अंदर में। हाँ, तो बच्चा सही। हाँ, तो मैं मेरे भाई का कैमरा लेके भाग जाता था कहीं कहीं खेलने के लिए, किसी को शूट करने के लिए, लाइक बहुत गालियाँ मिलती थी मुझे ये सब करने के लिए, लेकिन लाइक फैसिनेशन है तो है, अभी खरीद के दे दो, लेकिन मेरे पास अपना खुद का कैमरा बहुत साल बाद आया, लेकिन when I was just finishing my BSc, I got it. तो उसके बाद में आई हर्ड अबाउट AAU असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में है, तो मैंने कॉटन में भी एडमिशन लिया, कॉटन में बॉटनी में मेरा एडमिशन हो गया था। तो जब मेरा एडमिशन हो गया, लाइक आई वाज द लास्ट वन टू गेट द एडमिशन, और बॉटनी वैसे करने का भी मन नहीं था लेकिन भी हो गया एडमिशन। तो व्हेन आई वाज जस्ट डन विद माय एडमिशन, तो वन ऑफ द प्रोफेसर्स देयर, तो शी स्क्रीम्ड एंड सेड कि ओ देखो सुहा इमान कॉम मार्क्स वाले गिन तेटिया मैंने एडमिशन टू वाले कॉटन और एडमिशन पैसे बोल के मुझे बहुत बुरा लगा। आई सेड नो आई एम नॉट जॉइनिंग कॉटन एवर, लाइक आई डोंट नॉट गोना जॉइन, बिकॉज फर्स्ट दिन बच्चा एडमिशन लेने आया एंड द फर्स्ट थिंग यू टेल देम इज दैट देखो कम मार्क्स मिल के भी कॉटन में एडमिशन मिल रहा है, दैट वॉज an image of cotton college for me, like वो ही। और मैं अभी भी कभी बताता हूँ लोगों को तो बहुत गुस्सा आता है, but then it's the truth. तो my father was there with me and I am there and you are saying that to me, तो मैं like I completely cancelled cotton, I did not go to cotton. वैसे भी मुझे गुवाहाटी का weather अच्छा नहीं लगता, अभी भी अच्छा नहीं लगता ना। तो then I went to Jorhat, Jorhat में Assam Agricultural University, I joined Assam Agricultural University. तो then I stayed there for 4 years. तो फिर भी लाइक आई वॉन्टेड टू डू वीडियोज, तो एक्सटेंशन एजुकेशन बोल के कोर्स है उधर, एक्सटेंशन एजुकेशन इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तो आई जॉइन एक्सटेंशन एजुकेशन, दैट वॉज माई मेजर, तो वही मैं वीडियोज़ करता था, पिक्चर्स करता था, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस मिला उसके वजह से
आई ऑलरेडी हैड मेड क्वाइट अ बिट ऑफ अ पोर्टफोलियो कि ये सब वीडियोस बनाए मैंने, ये सब फोटोज बनाए मैंने, दिखाने के लिए है मेरे पास. तो उसके बाद मुझे टिस के बारे में पता लगा. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पेरेंटल प्रेशर. बहुत लोग दे डोंट थिंक फिल्म करियर और लाइक अ वीडियो करियर इज़ लाइक द बेस्ट करियर फॉर यू, ओके, बिकॉज दे डोंट नो. बट इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. इफ़ यू गेट इन टू फिल्म इंडस्ट्री यू आर लाइक सेट, ओके. एंड क्या हुआ कि आई वॉन्टेड अ कोर्स विच वॉज लाइक हाफ एकेडमिक हाफ प्रोडक्शन. तो मीडिया एंड कल्चर स्टडीज बोल के एम ए इन मीडिया एंड कल्चर स्टडीज, दैट्स माई कोर्स. दैट्स व्हाट आई स्टडीड इन टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट. सो आई स्टडीड देयर इन बॉम्बे. बॉम्बे में ही, बॉम्बे इज लाइक द मेन, द फर्स्ट टिस दैट ओपन इज इन बॉम्बे. सो तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और मैंने स्कॉलरशिप में पढ़ा है वो, लाइक वेरी लेस मनी वॉज पेड बाई माई पेरेंट्स. तो हाँ, तो उसके बाद लाइक वहाँ जो जिन लोगों से मैं मिला, लाइक द फ्रॉम द प्रोफेसर्स टू द स्टूडेंट्स, लाइक इट्स अ वेरी क्लोज निट लाइक अ फैमिली. तो द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन यू गेट देयर इज लाइक इट्स बहुत. तो इट्स वेरी कि मतलब कहीं से भी रास्ता निकल ही जाएगा आपके लिए, ऐसा है. एंड द काइंड ऑफ पीपल यू मीट देयर लाइक वेरी वेरी, क्या बोलूँ अभी, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वी कैन से मॉडर्न. तो देर वेरी प्रोग्रेसिव, देर वेरी ओपन. तो हम लोग हमारे प्रोफेसर्स को भी मैडम सर नहीं बुलाते, हम लोग नाम से बुलाते हैं क्योंकि हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं. तो हमारे डीन जो है, तो हम लोग उसको भी लाइक अंजलि जयशंकर वेर आर लाइक मेन, लाइक दे यूज टू, दे आर लाइक आर पेरेंट्स देयर इन द कॉलेज. तो हम लोग को नाम से ही बुलाते हैं, तो वो लोग भी हम लोग को नाम से बुलाते हैं सब. तो दैट्स द सोसाइटी दैट गॉट, दैट्स द एनवायरनमेंट दैट आई लिव्ड इन फॉर टू ईयर्स. तो उससे मुझे लाइक इट वॉज अ कम्प्लीट ड्रास्टिक चेंज. तो अभी मैं इधर बैठ के इतना कैजुअली आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर पाता 4-5 साल पहले, क्योंकि टिस के बाद ही बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे पर्सनैलिटी में भी एंड एवरीथिंग. तो द कॉन्फिडेंस जो आया है, इट्स बिकॉज यू मेट अदर पीपल एंड एवरीथिंग. तो हम लोग बात जारी रखेंगे. तो हम लोग जानने को कोशिश करेंगे ये जो सफ़र है, आज हाफलोंग से काफ़ी दिन बाद में आप हाफलोंग आया, आज हाफलोंग में है थोड़ा दिन के लिए आया, आपका पढ़ाई भी चल रहा है सर, पढ़ाई भी आप नहीं 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 खत्म खत्म नहीं किया. तो टिस के बाद, टिस में मैं 2 साल रहा, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, गॉट प्लेसमेंट, प्लेस्ड इन अ ब्रांडिंग एंड डिजाइन एजेंसी. आई एम वर्किंग देयर फॉर 2 इयर्स. और पढ़ाई भी है? नहीं, खत्म पढ़ाई. अच्छा, अभी एमए हो गया. एमए हो गया, तो अभी आई हैव अ जॉब. अच्छा, आई हैव फुल टाइम जॉब. फुल टाइम जॉब, यूट्यूब मतलब सेटल? हाँ, नहीं, कैन से सेटल, नोबडी कैन सेटल, क्योंकि आपका वो जो ड्रीम्स है वो आपको सताते रहता है ना, इट्स स्टिल गोइंग ऑन. तो मेरी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मैं वीडियोस भी बनाता हूँ. तो इट्स नॉट लाइक आई मूव्ड अवे, मैं वही करता हूँ. नहीं, वो उसका बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. अभी फिलहाल आप काफ़ी दिन बाद में आया हाफलोंग में, आपका नज़र में क्या क्या चेंजेस मिला हाफलोंग का? चेंजेस, वही तो बात है कि चेंजेस उतना नहीं होता है हाफलोंग में, बहुत स्लो चेंजेस होता है. तो आई थिंक वॉट गुड थिंग इज दैट बहुत सारे, तो आई लाइक टैलेंट्स, कोई भी अच्छा गा रहा हो कहीं पे, गिटार बजा के गा रहा हो, कोई वीडियो निकल गया हो, तो आई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, आई टॉक टू देम कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, लाइक कि तुम्हारा एजुकेशन कहाँ पे हो रहा है, लाइक वेयर डू यू लिव नाउ, व्हाट आर योर प्लान्स लेटर, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी इन अ नेटवर्क, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस नेटवर्क ऑफ क्रिएटर्स, लाइक आई एम बिकॉज मुझे पता है कि किसने मुझे अप्रोच नहीं किया कभी. तो आई लाइक टॉकिंग टू क्रिएटर्स, आई लाइक, मतलब आप भी वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी मैंने कांटेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि मुझे कांटेक्ट आपको करना ही था, ऐसा कुछ नहीं. बिकॉज आई सॉ यू मेकिंग वीडियोस, तो आई थॉट कि आई नीड टू नो दिस पर्सन. तो मैं नहीं जानता था कि आप मेरे पापा के दोस्त हैं. तो मैंने यहाँ वहाँ से आपके पेज में मैसेज डाल के, वो डाल के बाद में आपको कांटेक्ट किया है. तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को किया है. नहीं, हमारा भी एक निशा था वो, जो हम चाहते थे जो एंटायर, हम लोग पहले जो कोशिश किया था पूरा नॉर्थ ईस्ट में, हम घुमा भी है. तो ज़्यादातर ये सब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है. आपको ऐसा प्रॉब्लम्स आया क्या जो हमने फेस किया, जैसे कि थोड़ा बहुत ईगो रहता है, उन लोग इतना फट से मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ मिला है क्या? जैसे कि दूसरे क्रिएटर्स, दूसरे आर्टिस्ट? हाँ, होता है कभी कभी, लाइक जब, बट इट्स फाइन. लेकिन मैं किसी को अप्रोच करूँ
और वो मुझसे बात नहीं करे तो उनका लॉस है ना, वो नहीं एक हमारा लाइफ में एक काफी सारा हुआ जैसे एक हम लोग का होता है क्या, आप जैसे अभी जो सिचुएशन है हमारा वो सिचुएशन था उसी टाइम में, ताकि जब भी जर्नलिज्म में गया तो हमने कोशिश किया जो वेटरन जर्नलिस्ट को दिखना है कि कैसा होता है, खुशवंशी कैसे होता है, ओपिनियर कैसा है, बीजी वर्गीस कैसा है, तो हमने एक ऐसा एक असम का वेटरन जर्नलिस्ट को हमको हमारा एक दादा से लेके गया, तो वहाँ पे 45 मिनट उन्होंने लेक्चर झाड़ा सुना है। बाद में हम जब पूछा सर अब खराब नहीं मिले से हम पूछ सकते एक बात, बोले क्या दिमाग साहब का उस टाइम में एनसील्स था, तो हमने बोला एनसील्स का ऊपर में कुछ आपका राइट अप हाई किया, तो उन्होंने बोला सर इट भी नहीं है, तभी से हमारा दूसरा एक नज़रा हो गया। फिर भी हम लोग कोशिश करते रहता जितना भी जहाँ पे भी हमारा एक क्लास हो जाता है जर्नलिस्ट मिलने से हम लोग बात करते, जैसे कि आप अप्रोच कर रहे, तो ये बात तो रहा अप्रोच का। अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से हम लोग बात जारी रखेंगे। दर्शक हम लोग छोटा सा ब्रेक का बाद में फिर से आए, फिर से हम लोग विशाल हंसा जी से हम लोग बात करते रहेंगे और आप लोगों को जानते रहेंगे जो उनका जो विचार है सब कुछ हम लोग बताते रहेंगे। तो विशाल जी हम लोग और आपका तकलीफ नहीं देंगे, अब ज़्यादा बात भी नहीं चलाएंगे, आपका तरफ से हमारा यहाँ में जितना भी टैलेंट्स है और जो भी है आपका नज़र में जो जो स्कोप्स है हम लोग का जो यहाँ का टैलेंटेड बॉयज़ है गर्ल्स है उन लोग कैसे कैसे आगे जा सकता है और क्या क्या मतलब परिस्थिति जो होता है ना चैलेंजेस आता है वो कैसे कैसे पार होके जाता है, पेरेंट को कैसे कैसे समझाना है क्या करना है कैसे कैसे आगे जाना है और इसमें आपको मदद कितना मिल सकता है हम लोग को।
मेरा मदर, तो आई डोंट नो कि मैं कितना वेल एस्टैब्लिश्ड हूँ अभी अभी तक. मैं मदद इन टर्म्स ऑफ आई कैन ओनली गिव कि फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस कि मैं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशनल. सो बेसिकली मुझे क्या प्रॉब्लम होता था कि हाँ पेरेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ड्रामा होता है. दे आर वेरी स्केयर्ड बिकॉज दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड हाउ वाइब्रेंट इट इज़. बट इट इज़ बट आगे जाके मुझे लगता है कि पहले पेरेंट्स को ही समझाना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स लोग बहुत स्टॉप करते हैं. दे स्टॉप देयर चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रीमिंग. ओके यू शुड नॉट डू दैट. लाइक और वेन यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इट्स नॉट लाइक. तो यहाँ पे थॉट कैसा है कि यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड लुक्स आफ्टर मी. ओके सो आई डोंट नो. तो इट्स अ लिटिल अनफेयर फॉर द किड. इफ द किड इज लाइक सुपर ब्राइट एंड ही वांट्स टू गो प्लेसेस एंड देन ही इज बीइंग स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, दैट्स अ लिटिल अनफेयर वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. ओके गर्ल्स के लिए ज्यादा होता है क्योंकि गर्ल्स को और ज्यादा प्रेशर फेस होना पड़ता है. तो आई थिंक चिल्ड्रन शुड बी गिवन लाइक द कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लोर. तो उनको एक उनके लाइफ में एक ड्यूरेशन होना चाहिए वेयर दे कैन फेल एंड द पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट हिम और हर व्हेन दे फेल. तो आई डोंट थिंक मेरे पास ऐसा कभी था. सो आई एम इन अ वेरी तो ऐसा नहीं है सिचुएशन वेयर आई कैन लाइक जस्ट गिव अप दिस जॉब एंड गो देयर एंड जॉइन समथिंग एल्स. ऐसा नहीं हो सकता अभी बिकॉज यू नो एक्सपेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा है, कोई मेरा एक्सपेंसेस लेने नहीं वाला है. तो मुझे खुद का पेमेंट करना पड़ता है सब कुछ. तो आई थिंक पता नहीं क्या क्या बोलूँ मैं. लेकिन हाँ एक्सप्लोर करने देना चाहिए सबको. तो ऑल्सो टू किड्स टू द चिल्ड्रेन आई वुड से दैट कि वट एवर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड ऑन वॉट यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट एंड गो फॉर इट. लाइक ट्राई इट आउट. आई मीन डोंट स्टॉप योर सेल्फ. योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कोप्स आर देयर. देयर सो मेनी थिंग्स. इफ यू फेल इन वन यू कैन पिक अप अनदर वन. बट देन देयर शुड बी अ बैकिंग यू नीड टू. तो बहुत लोग सक्सेसफुल हैं. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन मुंबई एंड एवरीथिंग. तो मैंने एक दो लोगों से भी मिला हूँ. दे आर लाइक 23 ईयर्स ओल्ड में उनका अपने कंपनी है. तो दैट्स लाइक बिजार. इट्स बिकॉज और मैं उनके लाइक आई ट्राई टू लुक एट देयर फैमिली एंड देन आई सी दैट उनका फैमिली बैकिंग बहुत अच्छा है बिकॉज द फैमिली हैज सीन अ लॉट. तो मतलब यू नीड टू लेट योर किड रियली एक्सप्लोर. और गार्जियंस भी अपडेट रहना है इसको. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गार्जियंस. सम गार्जियंस लाइक बिकॉज ऑफ देयर ओन लाइक कि उनका एजुकेशन थोड़ा लो है तो इसके वजह से उनको समझ में नहीं आता है. बट यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट दम फर्स्ट. तो ऐसा नहीं कि जस्ट झगड़ा करके चले जाओ. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. ऐसा तो होना ही नहीं. झगड़ा मत करो किसी के साथ. लाइक फर्स्ट बी रिस्पेक्टफुल. मतलब दोनों साइड से रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. पेरेंट्स एंड किड बी रिस्पेक्टफुल. टॉक टू ईच अदर. आई थिंक कम्युनिकेशन होना चाहिए. दैट्स द मेन थिंग. वी नेवर कम्युनिकेट. लाइक यहाँ का हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग हमारा कम्युनिकेशन लेवल ही होता है खाना खाया कि नहीं, कितना पैसा चाहिए. तो वहाँ वो बस स्टार्टिंग है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स बिटवीन फैमिली मेम्बर्स तब वहाँ ये लिमिट ये लेवल तक होना चाहिए कि यू शुड नो व्हाट इज द अदर पर्सन्स फीलिंग्स. यू शुड नो व्हाट इज द अदर. आपको बताओ हम लोग और भी सुनेंगे लेकिन हम एक छोटा सा हम आपका बारे में थोड़ा सा छोटा छोटा एक जानकारी है. आप गान का भी शौक है. गान गाने का भी शौक है. ये छोटा सा एक रविंद्र संगीत प्रैक्टिस करने वाला ऐसा हम लोग इजीली नहीं लेता है क्योंकि टफ सब्जेक्ट है बोल के हम लोग जाना जाता. तो आप छोटा में ही ये सब रहा तो आपको इससे तो पता ही चलता है आप जो क्रिएटिव वर्ल्ड में व ऐसे सब में इंटरेस्टेड है. आप देखिए आप जोरहाट से वो किया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया. नहीं मैंने होम साइंस किया. होम साइंस एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होम साइंस में डिग्री किया. आई एम गोल्ड मेडलिस्ट. नो गोल्ड मेडलिस्ट. तो इसको किसी को पता ही नहीं. ये भी बोलना चाहता हूँ कि यो गोल्ड मेडल कुछ फायदे का है ही नहीं. तो मैं फिर भी हाँ बस मतलब किया ना. किया तो इसके लिए आप प्राउड फील मत कीजिए. हम लोग करने दीजिए.
हमारा हिलसर को जितना दर्द था गए, आप लोग आज बिजार लगता था जिससे बात कर रहे हैं, चुगली टीवी फेमस ऐसे नहीं सोचिएगा, उन्होंने गोल्ड मेडल भी मिला है, तो आप लोग ये जानकारी भी रहना बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी प्राउड फील जरूर करेंगे, हम भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते कि आप थोड़ा सा एक तो हम लोग को थोड़ा गुनगुना दीजिए, ये हम लोग का एक रिक्वेस्ट है। क्या सुनना है आपको? आपका जो मर्जी। क्या सुनते हैं आपके ऑडियंस लोग? जो सुनने से अच्छा नहीं लगेगा आप वो सुना दीजिए, आप मेरा वीडियो का क्लिप लगा दीजिए उसमें। नहीं गाना मुझे, सॉरी। शर्म आती है। आप मेरा गाने का क्लिप लगा दीजिए। आपका गाने का ना? हाँ, वो गाने वाला क्लिप हम लोग का पास थोड़ी है। मैं दे दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा। तो ये रहा हम लोग का विशाल लगता सर जी। आप लोगों के साथ पहला हिल्स लाइव टीवी में आया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। और हिल्स लाइव का जितना भी दर्शक है, हम लोग वादा करते हैं विशाल लंका से जी को ये हिल्स लाइव का टीवी में और भी देखने मिलेगा, और भी उन लोग आएंगे और आप लोग से बात करेंगे और आप लोग को जनाएंगे जो इनका जो सोच विचार है, इससे हम लोग का डिमासो का जो भी टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स है उनका फ्यूचर कैसे अच्छा हो, उनसे काफ़ी सारा मदद भी मिलेगा, एडवाइस मिलेगा और काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.